हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही PGCIL एंड RFS का फुल नोटिफिकेशन आउट होगा और लिंक एक्टिवेट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। फाइनली दोस्तों साइट पर फुल नोटिफिकेशन की वीडियो आउट हो चुकी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता दूँ, एक बहुत ही बैड न्यूज़ है बीटेक कैंडिडेट्स के लिए कि इस बार बीटेक वालों को डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट से हटा दिया गया है। इससे पहले जितनी भी PGCIL में रिक्रूटमेंट थी गाइज, सारी रिक्रूटमेंट में बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ होता था, लेकिन इस बार दोस्तों बीटेक वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि हटा दिया गया। गाइज, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से ही वॉच करते हैं तो जब PGCIL WR2 की अपडेट दी थी मैंने, उसी 3-4 वीडियो के सराउंडिंग्स में मैंने लगभग हर वीडियो में बताया था कि PGCIL में HR रीजन में लगातार बात चल रही है कि बीटेक वालों को हटाया जा सकता है आने वाली रिक्रूटमेंट्स में। तो फाइनली यहाँ पर बीटेक वालों को इस रिक्रूटमेंट से हटा दिया गया है। इसकी सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है, जो कि मुझे पहले भी पता चल चुका है, सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि PGCIL में जो भी बीटेक के कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं वो या फिर IAS या फिर गेट की तैयारी करते हुए रहते हैं, और जैसे ही 2-3 सालों में वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं, और जैसे ही वो 2-3 सालों में चाहे वो किसी अच्छे PSUs में JEE के अलावा जो भी जूनियर मैनेजर मैनेजर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर सिलेक्टेड होते हैं, वैसे ही वो PGCIL को छोड़ देते हैं। सेम यही स्टोरी दोस्तों DMRC में भी हुई थी। DMRC ने भी लास्ट रिक्रूटमेंट में 2019 की रिक्रूटमेंट में बीटेक के कैंडिडेट्स को यह कहकर हटा दिया था कि जो बीटेक के कैंडिडेट्स होते हैं वो काम करने में भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, कि जो भी काम उनका चाहे वो मेगा टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो इन हैंड नहीं करना चाहते, हाथ से नहीं करना चाहते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उस डिपार्टमेंट में कि जैसे ही वो किसी भी पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं, अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं, वो डिपार्टमेंट को छोड़ देते हैं, जिससे डिपार्टमेंट को घाटा होता है। और इसीलिए DMRC ने भी और अब PGCIL ने भी बीटेक के कैंडिडेट्स को हटा दिया है। बहुत ही निराशाजनक खबर है बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, मुझे पता है इस चैनल में बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो जिन्होंने बीटेक करके रखा हुआ इलेक्ट्रिकल और सिविल से, और वो लगातार इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे PGCIL की, और उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। तो दोस्तों चलिए फिलहाल मैं फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे जो भी ये परिवर्तन हुआ है ये सारे PGCIL के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसमें मैं और आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो फुल नोटिफिकेशन दोस्तों आउट हो चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको डिटेल में डिस्कशन कर देता हूँ फुल नोटिफिकेशन का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे के रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। PGCIL के प्रीवियस ईयर पेपर जल्द ही मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज PGCIL की पहले ही NR1 के लिए जो चल रही थी, 10 टेस्ट उसमें ऑलरेडी ऐड है, 10 टेस्ट और ऐड हो जाएंगे। कल से पहला टेस्ट 11वां टेस्ट ऐड हो जाएगा। अगर आपको परचेस करना है तो EDOS कूपन का जो हमारे चैनल का कूपन कोड है EDOSE यूज़ करके आप 49 रुपीज़ का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें आपको DMRC PGCIL जितनी भी LRC जितनी भी टेस्ट सीरीज होती हैं सब आपको मिल जाएंगी। चलिए फिलहाल हम फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आज की ही डेट में ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर की अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे एडवर्टीजमेंट नंबर, तो NR1/02/2021/DT यानी डिप्लोमा ट्रेनी रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी जूनियर इंजीनियर, सॉरी डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। यहाँ पर जो दोस्तों मैं जैसा कि मैंने पहले ही आपको वैकेंसीज के बारे में बता चुका हूँ कि डिप्लोमा ट्रेनी में इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 30 वैकेंसी है, जिसमें UR के लिए 11 वैकेंसी है, OBC के लिए 7 है, SC की 6 है, ST की 2 है, 4 EWS की है, और यहाँ PWD के वालों कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। बात कर लेते हैं अगर सिविल के लिए तो 5 वैकेंसी टोटल सिविल वालों के लिए, जिसमें UR की 2 है, OBC की 1 है, SC की 5 है, और ST की कोई भी वैकेंसी नहीं है, EWS की 1 वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं जो भी PWD वालों का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन है, कि बहुत सारे PWD के कैंडिडेट्स पूछते भी रहते हैं तो उनके लिए एक मेंशन है, और इसका PDF दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दो सकते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिफिकेशन की। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आपको 3 साल का डिप्लोमा अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए डिप्लोमा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मिनिमम परसेंटेज, दोस्तों PGCIL में अप्लाई करने के लिए 70% होना चाहिए, और यहाँ पर साफ मेंशन है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BBTEC MTEC ETC विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है, इसके बाद अगर आपने बीटेक कर लिया तो भी आप अलाउड नहीं होंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है प्लस बीटेक भी कर लिया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं,
बहुत सारे लोग एज क्राइटेरिया के बारे में पूछते हैं, तो 27 साल इसकी एज लिमिट है जनरल और EWS के लिए, 3 साल का एज रिलेक्शन OBC को मिलता है, तो 30 साल तक के OBC के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और 32 साल के कैंडिडेट जो SC ST को जो एज रिलेक्शन मिलता है दोस्तों वो 5 साल का होता है, इसलिए SC ST के कैंडिडेट्स 32 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम यही क्वालिफिकेशन दोस्तों डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए मांगी गई है। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल में दोस्तों आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और यहाँ पर दोस्तों 70% अनिवार्य रूप से आपका डिप्लोमा में होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन BE, BTEC, MTEC विद और विदाउट डिप्लोमा नॉट अलाउड। और यहाँ पर जो एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों, तो 27 साल इसकी एज लिमिट जनरल वालों के लिए, सेम वैसे ही जैसा कि डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मैंने आपको बताया वही एज लिमिट आपकी इसमें भी है। चलिए अब और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फीस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फीस है। यहाँ पर दोस्तों आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका रिटन एग्जाम होगा, और यहाँ पर आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 2 पार्ट में होगा, टोटल 170 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों आपका 120 क्वेश्चन जो टेक्निकल पोर्शन रहेगा, और बचे हुए 50 क्वेश्चन दोस्तों आपके नॉन टेक्निकल के होंगे, जिसमें आपका वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, GK नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी GK नहीं आने वाला है। लास्ट टाइम की यही नोटिफिकेशन में भी सेम यही सिलेबस मेंशन था, उस टाइम भी GK नहीं आया, तो और इस टाइम भी GK मेंशन नहीं है, तो सिलेबस में GK नहीं आने वाला है। और अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, सही क्वेश्चन होने पर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर गलत आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जानते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की, वो ये है कि दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी है इंक्लूडिंग EWS, उसमें आपको पार्ट फर्स्ट में जो 120 टेक्निकल क्वेश्चन, उसमें 40% मिनिमम चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स, और पार्ट सेकंड में 30%, दोनों अलग अलग चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको मिला के चाहिए, आप अलग अलग से आपको 30% जो है पार्ट टू में और 40% पार्ट फर्स्ट में, ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें जिसमें OBC और SC ST वाले आते हैं, 30% मार्क्स दोस्तों होने चाहिए पार्ट वन में और 25% मार्क्स होने चाहिए आपके सेकेंड में, ये दोनों परसेंटेज दोस्तों अलग अलग होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट कट ऑफ क्लियर होते हैं पार्ट वन की मदद से, लेकिन सेकंड पार्ट में वो डिसक्वालीफाइड होते हैं, जिससे उनका फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है, और वो इससे कन्फ्यूज होते हैं कि मैंने तो कट ऑफ पार की, मेरिट क्रॉस की, फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम टेस्ट सेंटर की बात कर ले, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान और देहरादून, 3 जगहों पे आपका सेंटर होने वाला है, टेस्ट सेंटर आपका होने वाला है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, यहाँ पर आपको 37,500 रुपये ट्रेनिंग टाइम में मिलेगा, आपका बेसिक पे 25K मतलब 25,000 आपका बेसिक होने वाला है डिप्लोमा वालों के लिए। दोस्तों इससे पहले जो भी PGCIL की वैकेंसीज थी 2017-18 तक, उस टाइम आपका PGCIL का बेसिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और सबसे ज़्यादा पेमेंट करने वाली PGCIL इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थी, करीब 40,000 इसका बेसिक पे था, लेकिन पिछले दो सालों से इसका बेसिक पे घटाकर 25,000 कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ख़राब तो नहीं बोला जाता, लेकिन ज़रूर कम करके इन्होंने स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा गलत काम किया है, क्योंकि बेसिक पे 40,000 होना बहुत ही अच्छी बात थी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 300 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आप चाहे आपने सिविल से अप्लाई करना है, चाहे आपको इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना है, आपकी फॉर्म फ़ीस सेम रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों 24 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 24 तारीख से मतलब आज के दिन से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और 15 जून इसकी लास्ट डेट होगी। आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं, फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट डेट को एक्सटेंड होने का वेट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत हायर चांसेस है इसके लास्ट डेट एक्सटेंडेड होने के, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि रिस्क मत लीजिएगा, इसका फॉर्म आप टाइम से पहले जरूर भर दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम्स रिटन टेस्ट की, रिटन टेस्ट में दोस्तों आपका रिटन टेस्ट की जो डेट है दोस्तों वो अभी नोटिफाइड नहीं है, जैसे ही कोविड की सिचुएशन क्लियर होगी तब आपकी रिटन टेस्ट की डेट आ जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, NR फर्स्ट में बहुत ही अच्छे लेवल से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा, जैसे ही कोविड की सिचुएशन क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा डिले यहाँ पर आपको नहीं देखने वाला है, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें। बाकी आपको अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।